नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2019 में आपका स्वागत है। साइंस एंड टेक की रिवीजन का ये हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जून 2018 के साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। पीडीएफ के बारे में आपने पूछा था। देखो, एक बार जून के हमारे सारे जब करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, तब एक साथ पीडीएफ आपको मिल जाएगी साइंस एंड टेक की, सोसाइटी की, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटी की, सब की, क्योंकि करंट अफेयर्स की काफ़ी ओवरलैपिंग होती है। कुछ करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक में आ जाते हैं और सेम करंट अफेयर्स इन्वायरमेंट में भी आ जाते हैं। कुछ करंट अफेयर्स पॉलिटी में आ जाते हैं और सेम करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स में भी आ जाते हैं। तो इस ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए पीडीएफ एक एक महीने की आपको एक साथ मिल जाएगी सारी की सारी। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ओनली IAS नथिंग एल्स। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। सारी जो पीडीएफ है आपको इस चैनल पर मिल जाती है। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। और ये कोर्सेज हैं पॉलिटिकल साइंस का मेंस बूस्टर प्रोग्राम 2019 और करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। इन कोर्सेज को ज्वाइन करने का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फोर्टिफाइड राइस के बारे में। क्या कंटेस्ट है, क्यों न्यूज़ में है फोर्टिफाइड राइस? गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड किया जाए, और इसके लिए एक साल में 12,000 करोड़ यानी 12,000 करोड़ से 14,000 करोड़ खर्च होंगे। शुरुआत में देखो ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी 115 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। 115 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं? देखो, सरकार ने हमारे देश के 115 जो सबसे ज्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई किया था और उनके लिए एक प्रोग्राम चलाया था। उनको बैकवर्ड कहने के बजाय उनको नाम दिया गया था एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि इन उन डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं डेवलपमेंट की। तो अब इन डिस्ट्रिक्ट्स को सरकार के द्वारा रैंकिंग दी जाती है ताकि आपस में कंपटीशन फील करें ये 115 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स में अच्छा परफॉर्म करें। तो इन 115 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो ये प्रोग्राम है फोर्टिफाइड राइस का, वो पहले इंप्लीमेंट किया जाएगा। नीति आयोग इस प्लान को सपोर्ट करेगा और इस प्लान को इंप्लीमेंट किया जाएगा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंतर्गत। ये काफी इंपॉर्टेंट है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंतर्गत इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जाएगा नीति आयोग की सपोर्ट से। अब हम बेसिक्स की बात करते हैं, फोर्टिफाइड राइस होता क्या है। पहले मुझे आप सिंपल फोर्टिफिकेशन का मतलब बताइए, राइस फोर्टिफिकेशन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखो, फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि किसी फूड के अंदर डेलिबरेटली यानी जानबूझ के माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन या फिर मिनरल्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करना ताकि उस फूड में न्यूट्रिशनल जो क्वालिटी है इंक्रीज की जा सके, इंप्रूव की जा सके। मान लीजिए राइस है, राइस के अंदर हम जानबूझ के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स ये सब चीज़ें ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हुआ, ये हुआ राइस की फोर्टिफिकेशन। समझ गए राइस फोर्टिफिकेशन क्या है। अब क्वेश्चन ये उठता है, राइस की फोर्टिफिकेशन क्यों? क्योंकि देखो, राइस को 2 बिलियन लोग खाते हैं एशिया और अफ्रीका में डेली। राइस वर्ल्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप है, स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब क्या होता है? देखो, स्टेपल फूड वो फूड होता है जिसे रूटीनली खाया जाता है और जो डाइट का एक मेजर पार्ट होता है। आपको पता है एशिया और अफ्रीका के कई देशों में राइस को रूटीनली यानी डेली खाया जाता है और डाइट का एक मेजर पार्ट है। तो इस प्रकार के फूड को कहा जाता है स्टेपल फूड। अगर देखो राइस की फोर्टिफिकेशन होगी तो जितने लोग राइस को खाते हैं उनको जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं, आवश्यक मिनरल्स, आवश्यक विटामिन्स प्राप्त हो सकेंगे, तो इससे उनकी जो हेल्थ है वो इंप्रूव होगी। ये मकसद है सरकार का राइस फोर्टिफिकेशन से। अगर राइस को फोर्टिफाई किया जाता है तो उस राइस के अंदर यानी फोर्टिफाइड राइस के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन बी ट्वेल्व, फोलिक एसिड, आयरन, जिंक, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स ऐड किए जा सकते हैं। अब देखो, आप ये भी याद रखना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, इस पर UPSC ने क्वेश्चन पूछा था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ऑटोनोमस बॉडी है। ये जो बॉडी है वो फोर्टिफाइड फूड को रेगुलेट करती है और इसके लिए रेगुलेशंस यानी स्टैंडर्ड्स भी जारी किए गए हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स रेगुलेशन 2016। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा इतनी। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल पैराबेन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है ताकि वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर्स, ओशंस, एस्टुरीज, इनमें पैराबेन को आइडेंटिफाई किया जा सके और पैराबेन के हार्मफुल इफेक्ट्स को होने से रोका जा सके। देखो, हम बात करें पैराबेन्स के बारे में, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि प्रिजर्वेटिव्स
का काम करते हैं कॉस्मेटिक और हाइजीन प्रोडक्ट्स में, यानी सेल्फ लाइफ इंक्रीज करने का काम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। और देखो, पैराबेन पहुंच जाते हैं वाटर बॉडीज में हॉस्पिटल वेस्ट के साथ या फिर अर्बन वेस्ट के साथ। कोरल रीफ्स के लिए बड़ी थ्रेट हैं ये पैराबेन्स, और इवन डॉल्फिन्स में भी हार्मोनल चेंजेस ला सकते हैं। और अगर देखो महिलाएं पैराबेन्स वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का भी खतरा बना रहता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पैराबेन्स के बारे में। आप याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव्स कॉस्मेटिक और हाइजीनिक प्रोडक्ट्स में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल एपिक प्लैनेट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? अहमदाबाद में एक लेबोरेटरी है, नाम है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। इस लेबोरेटरी के द्वारा एक एपिक प्लैनेट स्पॉट किया गया है। नाम एपिक प्लैनेट का इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं एपिक 211945201B। ये आपको याद रखने की आवश्यकता एक्चुअली है नहीं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। ये प्लैनेट अर्थ से 6 गुना बड़ा है, 6 times बिगर है, और एक सूर्य की तरह कोई स्टार है उसके आर पार रिवोल्व कर रहा है, जो कि 600 light years अवे है। लाइट ईयर एक डिस्टेंस की यूनिट होती है। एक साल में लाइट जितना ट्रेवल करती है वो है 1 light year। और देखो, जो सूर्य जैसा तारा है जिसके अराउंड ये एपिक प्लैनेट रिवोल्व कर रहा है, उस स्टार का नाम इस प्रकार से है। नीचे देखिए, होस्ट स्टार एपिक 211945201, और आप कह सकते हैं K2236। और जो एपिक प्लैनेट स्पॉट किया गया है उसको K2236b भी कहा गया है। ये डिस्कवरी की गई PRL डिजाइंड स्पेक्ट्रोग्राफ या फिर पारस की सहायता से। इनके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। इन इक्विपमेंट्स का या फिर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया गया प्लैनेट के मास को मेजर करने के लिए और कंफर्म करने के लिए। थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें इस एपिक प्लैनेट के बारे में। देखो, ये जो एपिक प्लैनेट है वो सूर्य जैसे स्टार के बहुत ज़्यादा क्लोज पाया गया है, और 19.5 डेज में एक चक्कर ये एपिक प्लैनेट लगाता है सूर्य जैसे स्टार के चारों ओर। और यहाँ पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर है 600°C, यानी 600°C। तो देखो, लेबोरेटरी की टीम ने ये भी पाया कि ये जो प्लैनेट है वो वैसे सैटर्न से छोटा है लेकिन नेपच्यून से बड़ा है और अर्थ से 6 गुना बिगर है। मास जो है इस एपिक प्लैनेट का वो अर्थ से 27 times ज़्यादा है और रेडियस 6 times ज़्यादा है। साइंटिस्ट ने यह भी एस्टिमेट किया है कि इस एपिक प्लैनेट का जो 60% मास है उसमें हो सकते हैं हैवी एलिमेंट्स जैसे आइस, सिलिकेट्स और आयरन। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख लीजिए। इस पिक्चर में अर्थ को और जो नया प्लैनेट एपिक प्लैनेट को स्पॉट किया गया है उन दोनों को आपस में कंपेयर किया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस एपिक प्लैनेट का जो रेडियस है वो अर्थ से 6 गुना ज़्यादा है। मास का अंदाज़ा नहीं लग सकता लेकिन पिक्चर से रेडियस का अंदाज़ा लग सकता है। और बात करें हम पारस यानी PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई सर्च की। ये देखो एक ऑब्जर्वेटरी है, ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप है 1.2 मीटर की। UPSC ये पूछ सकती है कि क्या ये जो ऑब्जर्वेटरी है स्पेस में सिचुएटेड है या फिर ग्राउंड पर सिचुएटेड है। तो माउंट आबू में है, ग्राउंड पर सिचुएटेड है ये टेलीस्कोप या फिर ऑब्जर्वेटरी। काम क्या है? इस ऑब्जर्वेटरी का काम है एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स को सर्च करना, यानी सोलर सिस्टम से बाहर जो प्लैनेट्स हैं उनको सर्च करना, ये काम है इस टेलीस्कोप का। और प्रोजेक्ट को फंड किया गया है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा। और आप ये बताइए, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पर है? अहमदाबाद में। आर्टिकल की शुरुआत में हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे देखो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के द्वारा एपिक प्लैनेट डिस्कवर किया गया है। तो ये पूरा आर्टिकल था, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल धनुष के बारे में है। धनुष देखो इंडिया की पहली देसी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है। आप एक बार पिक्चर देख लीजिए, यह है धनुष। अभी कंटेक्स्ट ये है कि पोखरण में फाइनल टेस्ट भी धनुष ने पास कर लिया है। अब ये जो आर्टिलरी गन है वो आर्मी के द्वारा इंडक्ट करने के लिए तैयार है। हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें धनुष के बारे में, साइज इस प्रकार से है जो कि आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इस आर्टिलरी गन को देसी बोफोर्स भी कहा गया है। धनुष की स्ट्राइकिंग रेंज है 38 किलोमीटर, यानी 38 किलोमीटर दूर तक वार किया जा सकता है इस आर्टिलरी गन की सहायता से। और देखो, इस आर्टिलरी गन के लिए 81% जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया से ही प्रोक्योर किए गए हैं। हर प्रकार के टेस्ट किए गए, सिक्किम और लेह की काफ़ी कोल्ड कंडीशंस में टेस्ट किए गए, उड़ीसा के बालासुर में और बबीना में भी टेस्ट किए गए,
झांसी में भी टेस्ट किया गया और अब फाइनल राजस्थान के पोखरान यानी डेजर्टियल कंडीशंस में भी टेस्ट किया गया और हर टेस्ट में ये आर्टिलरी गन खरी उतरी है, यानी हर एक टेस्ट पास किया गया है इस आर्टिलरी गन के द्वारा। इस गन को डेवलप किया गया था ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा जो कि कोलकाता में है और मैन्युफैक्चर इस गन को किया गया है जबलपुर बेस्ड गन कैरिज फैक्ट्री में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया धनुष के बारे में जो कि एक आर्टिलरी गन है। यूपीएससी अगर पूछती है धनुष क्या है, सबमरीन है, कोई मिसाइल है या फिर एक वेसल है यानी नेवल वेसल है, तो याद रखिएगा धनुष जो है वो एक आर्टिलरी गन है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल आई मैप मिशन के बारे में है। इस मिशन को नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा 2024 में यानी 2024 में। आई मैप मिशन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। हेलियोस्फीयर क्या होता है? देखो सोलर सिस्टम के आसपास का जो स्पेस होता है वो हेलियोस्फीयर होता है। आप एक बार पिक्चर पर नज़र डालिए आपको हेलियोस्फीयर समझ में आ जाएगा। ये देखो हमारा सोलर सिस्टम है सारा। इस सोलर सिस्टम के आर पार जो स्पेस है ये हेलियोस्फीयर है। इस हेलियोस्फीयर में चार्ज्ड सोलर पार्टिकल्स होते हैं, सोलर विंड्स का इन्फ्लुएंस होता है और सोलर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ये जो हेलियोस्फीयर होता है वो प्रोटेक्ट करता है अर्थ को यानी धरती को, इवन दूसरी प्लेनेटरी बॉडीज को। किससे? स्पेस रेडिएशन से। देखो जो इंटरस्टेलर स्पेस है यानी दो स्टार्स के बीच का जो स्पेस है वहाँ से कई बार हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स ओरिजिनेट होते हैं और धरती की तरफ आते हैं जिन्हें कॉस्मिक रेज कहा जाता है। तो ये कॉस्मिक रेज जो अर्थ या फिर दूसरी जो सोलर सिस्टम में प्लेनेटरी बॉडीज हैं उनकी तरफ आती हैं, तो हेलियोस्फीयर इन कॉस्मेटिक रेडिएशन से अर्थ को बचाता है यानी प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं आई मैप मिशन की। आई मैप की फुल फॉर्म है इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलेशन प्रोब। देखो इस मिशन का ऑब्जेक्टिव यह है कि वो कॉस्मिक रेज जो इंटरस्टेलर स्पेस से अर्थ की तरफ या फिर दूसरी प्लेनेटरी बॉडी की तरफ आ रही हैं उनकी सैम्पलिंग करना, उनको एनालाइज करना। उनको उन कॉस्मिक रेज को एनालाइज करने का फायदा ये होगा जो कि अर्थ की तरफ या फिर दूसरी प्लेनेटरी बॉडी की तरफ आ रही हैं, हमें यह पता लग जाएगा कि हेलियोस्फीयर की लिमिट क्या है। क्योंकि देखो जहां तक हेलियोस्फीयर है वहां तक तो बहुत कम कॉस्मिक रेज पहुंच सकती हैं, जैसा हमने इस आर्टिकल की शुरुआत में डिस्कस किया कि हेलियोस्फीयर सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है कॉस्मिक रेज से और इन कॉस्मिक रेज का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। विभिन्न स्पेस एजेंसीज के द्वारा जो मिशंस भेजे जाते हैं उन स्पेस मिशंस के टेक्नोलॉजिकल सिस्टम को प्रभावित कर सकती हैं ये कॉस्मिक रेज। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कहां तक कॉस्मिक रेज नहीं पहुंचेगी ताकि उसी हिसाब से हम हमारे स्पेस मिशंस को मैनेज कर सकें और प्लान कर सकें। तो बात करें इस मिशन की जो कि भेजा जाएगा नासा के द्वारा 2024 में यानी 2024 में। ये मिशन 1 मिलियन माइल्स यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर से 15 लाख किलोमीटर से दूर स्टेशन होगा अर्थ से सन की तरफ और फर्स्ट लैग्रेंजी पॉइंट पर इसे स्टेशन किया जाएगा ताकि इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे इस मिशन के अंदर वो मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके, मैक्सिमम मॉनिटर कर सके किस प्रकार से इंटरेक्शंस हो रही हैं सोलर विंड और कॉस्मिक रेज जो कि ओरिजिनेट हो रही हैं इंटरस्टेलर स्पेस में, यानी कि दो स्टार्स के बीच में जो स्पेस होता है वहां से जो कॉस्मिक रेज ओरिजिनेट होती हैं और सोलर विंड्स के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट होती हैं वो सब मॉनिटर किया जाएगा इस स्पेस मिशन के द्वारा जिसका नाम होगा आई मैप। नासा के द्वारा भेजा जाएगा 2024 में। इसे स्टेशन किया जाएगा अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर सन की तरफ। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया आई मैप मिशन के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल कैटरीन एक्सपेरिमेंट के बारे में है। कैटरीन की देखो फुल फॉर्म है कार्लसरूहे ट्रिटियम न्यूट्रिनो। ये एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है जर्मनी के अंदर। जर्मनी में एक इंस्टीट्यूट है, नाम है कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी। यहाँ पर सेटअप लगाया गया है इस एक्सपेरिमेंट के लिए और 150 से ज़्यादा साइंटिस्ट नेशनल और इंटरनेशनल पार्टनर्स अभी फिलहाल कोलैबोरेट कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए। मकसद क्या है ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकती है कैटरीन एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है। देखो ये एक्सपेरिमेंट संबंधित है न्यूट्रिनो से। इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है ताकि जो वर्ल्ड का यानी यूनिवर्स का जो लाइटेस्ट पार्टिकल है न्यूट्रिनो उसका मास पता लगाया जा सके। समझ गए, यानी यूनिवर्स के लाइटेस्ट पार्टिकल न्यूट्रिनो के मास को डिटरमाइन करने के लिए डेटा कलेक्ट किया जा रहा है इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से। हमने न्यूट्रिनो के बारे में डिस्कस किया था, मैं आपको पहले हमने जो डिस्कस किया था न्यूट्रिनो के बारे में उस वीडियो के माध्यम से रिवाइज करवा देता हूं जल्दी से। सबसे पहले देखो बात करते हैं न्यूट्रिनो है क्या। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का आपको पता है ये टीनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं।
एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। ये तीनों क्या हैं? तीनों हैं टीनी, यानी छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। तो इन टीनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की तरह ही न्यूट्रिनो भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, लेकिन फर्क इतना है कि न्यूट्रिनो एटम में नहीं मिलते, समझ गए? यानी जैसे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उसी प्रकार से न्यूट्रिनो भी है, लेकिन डिफरेंस ये है कि न्यूट्रिनो इन तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स की तरह एटम में नहीं मिलते। न्यूट्रिनो के का मास बहुत कम होता है और कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रिनो के ऊपर। वैसे देखो प्रोटॉन के ऊपर प्लस वन चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस वन चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। उसी प्रकार से न्यूट्रिनो के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता। और यहाँ पे देखो ये प्लस वन माइनस वन एग्जैक्टली प्लस वन माइनस वन नहीं है, इनकी कुछ वैल्यू है, जैसे यहाँ पे देखिए। लेकिन चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए आप उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में अभी मत जाइए। कहने का एसेंस ये है कि न्यूट्रिनो के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसके अलावा न्यूट्रिनो बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं दूसरे मैटर पार्टिकल्स के साथ। देखो छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, यूपीएससी यूं पूछ लेगी। क्या न्यूट्रिनो दूसरे मैटर पार्टिकल्स के साथ काफी मजबूती से इंटरेक्ट करते हैं, काफी जोर शोर से इंटरेक्ट करते हैं? नहीं, गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। आप इस प्रकार से याद रह सकते हैं कि न्यूट्रिनो अपने आप में मस्त रहते हैं, दूसरे लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, आपके दिमाग में बात छप जाएगी। उसके बाद ओरिजिन कैसे हुआ न्यूट्रिनो का? देखो न्यूट्रिनो या तो सूर्य से आए हैं या फिर दूसरे स्टार से आए हैं कॉस्मिक रेज की फॉर्म में। कॉस्मिक रेज क्या होती हैं? कॉस्मिक रेज एक प्रकार की रेडिएशन होती हैं जो निकलती हैं सूर्य से, यानी सन से, या फिर दूसरे स्टार से। रेडिएशन ऐसी होती है कि इस रेडिएशन में काफी एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब। तो देखो सन और दूसरे स्टार से जब कॉस्मिक रेज आई तो उन कॉस्मिक रेज में न्यूट्रिनो भी आए। एक तो देखो ये सोर्स हो सकता है न्यूट्रिनो की उत्पत्ति का। दूसरा सोर्स ये हो सकता है कि जब यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, शुरुआत में सिर्फ एक गोला था, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन के बाद यूनिवर्स की उत्पत्ति होती है, और धीरे धीरे यूनिवर्स एक्सपेंड होता है और आज भी एक्सपेंड हो रहा है। तो जब ये एक्सप्लोजन हुआ था बहुत बड़ा, तो उस समय न्यूट्रिनो की उत्पत्ति होती है। तो ये दूसरी एक्सप्लेनेशन है कि कैसे ओरिजिन हुआ न्यूट्रिनो का। देखो न्यूट्रिनो को लैब में भी फॉर्म किया जा सकता है, और थ्री टाइप्स के होते हैं न्यूट्रिनो। पहली टाइप है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, यहां पे देखिए। दूसरी टाइप है मुओन न्यूट्रिनो, और तीसरी टाइप है टाउ न्यूट्रिनो। और जब देखो न्यूट्रिनो ट्रेवल करते हैं, मान लीजिए यहां से यहां ट्रेवल कर रहे हैं, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल इस पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है लेकिन चल रहा है न्यूट्रिनो, तो चलते चलते दूसरी फॉर्म में आ जाएगा, टाउ न्यूट्रिनो हो जाएगा। इस चीज को बोलते हैं न्यूट्रिनो ओसिलेशन। यहां पे पिक्चर देखिए आप, अगर यूपीएससी पूछती है न्यूट्रिनो ओसिलेशन क्या है, न्यूट्रिनो की एक फॉर्म ट्रेवल करते वक्त अगर चलते चलते दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस चीज को कहते हैं न्यूट्रिनो ओसिलेशन। अब देखो आप मुझे एक बात बताइए कि ये सब तो ठीक है, न्यूट्रिनो के बारे में हमने बहुत कुछ स्टडी किया, लेकिन न्यूट्रिनो की ऑब्जर्वेटरी इस्टैब्लिश करके तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में बोधी हिल्स में हमें क्या फायदा होगा? अगर देखो न्यूट्रिनो को हम ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, तो काफी सारे फायदे हो सकते हैं। हमें सन की प्रॉपर्टीज का पता लग सकता है, जैसा हमने डिस्कस किया कि सन से कॉस्मिक रेस की फॉर्म में आते हैं न्यूट्रिनो। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि यूनिवर्स की उत्पत्ति जब हुई थी तो उस समय न्यूट्रिनो की भी उत्पत्ति हुई थी। तो अगर न्यूट्रिनो को हम स्टडी करें तो यूनिवर्स की उत्पत्ति का भी हमें पता लग सकता है, कैसे ओरिजिन हुआ था यूनिवर्स का। तीसरे नंबर पे न्यूट्रिनो को अच्छे से स्टडी करने से मेडिकल इमेजिंग में फायदा होगा। मेडिकल इमेजिंग क्या है? जैसे एक्सरेज, एमआरआई, ये सब चीज़ें, यानी शरीर के इंटरनल पार्ट्स का या फिर एक्सटर्नल पार्ट्स की जो हम फोटो लेते हैं डिजीज का पता लगाने के लिए। उस साइंस में और ज़्यादा डेवलपमेंट आएगी अगर न्यूट्रिनो पे अच्छे से रिसर्च होती है तो। तो ये पूरा आर्टिकल था न्यूट्रिनो के बारे में, चलते हैं अगला आर्टिकल नॉर्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है। यहाँ पर स्क्रीन पे पिक्चर देखिए। एक्चुअली 1960 में अल्फ्रेड हिचकॉक की एक फिल्म आई थी साइको। इस मूवी में नॉर्मन बेट्स एक साइकोपैथिक किलर थे। साइकोपैथिक का मतलब होता है मनोरोगी, यानी जो मानसिक रूप से बीमार होता है। अभी कंटेस्ट ये है कि नॉर्मन साइकोपैथिक किलर के नाम पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम तैयार किया गया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये एक साइकोपैथिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। मकसद ये है कि लेमैन टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो एल्गोरिथम्स तैयार किए जाते हैं, अगर वो गलत हो जाएं
तो क्या नुकसान हो सकता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। तो नॉर्मन एक प्रकार से केस स्टडी को रिप्रेजेंट करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलत भी हो सकती है अगर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में बायस्ड डेटा का यूज किया जाए। तो अगर यूपीएससी पूछती है नॉर्मन क्या है, रिसेंटली न्यूज में था, तो नॉर्मन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसे तैयार किया गया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा। एक मकसद है एक केस स्टडी के तौर पर रिप्रेजेंट करना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान भी हो सकते हैं अगर बायस्ड डेटा का यूज किया जाए मशीन लर्निंग के लिए। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल ग्लोबल अलायंस टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलियरिसिस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इंडिया 10वीं मीटिंग होस्ट कर रहा है ग्लोबल अलायंस टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलियरिसिस की। देखो, इंडिया के ऊपर हाईएस्ट बर्डन है लिम्फेटिक फिलियरिसिस का और एक अर्जेंट नीड है कि इंडिया अपना लीडरशिप रोल प्ले करें और एक अहम भूमिका निभाए पूरे वर्ल्ड से, ना सिर्फ इंडिया से बल्कि पूरे वर्ल्ड से लिम्फेटिक फिलियरिसिस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। थीम इस बार की है सेलिब्रेटिंग प्रोग्रेस टूवर्ड्स एलिमिनेशन वॉइस फ्रॉम फील्ड ऑफ ओवरकमिंग प्रोग्राम्स चैलेंजेस। ये थीम है ग्लोबल अलायंस टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलियरिसिस की 10वीं मीटिंग की। अब हम लिम्फेटिक फिलियरिसिस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो, लिम्फेटिक सिस्टम एक प्रकार से नेटवर्क होता है वेसल्स का और स्पेशलाइज्ड टिश्यूज का। हमारे शरीर के अंदर ओवरऑल फ्लूड बैलेंस को मेंटेन करने में लिम्फेटिक सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं या फिर लिम्स हैं उनकी हेल्थ को इंश्योर करने में भी अहम रोल होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। इन एडिशन टू दिस, लिम्फेटिक जो सिस्टम है हमारी बॉडी के इम्यून डिफेंस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। लिम्फेटिक फिलियरिसिस, जिसे एलिफेंटाइसिस के नाम से भी जाना जाता है, देखो ओल्डेस्ट और मोस्ट नेग्लेक्टेड डिजीज में से एक है लिम्फेटिक फिलियरिसिस और ऑलमोस्ट 73 कंट्रीज में होता है ये लिम्फेटिक फिलियरिसिस। होता क्या है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है एक प्रकार का जिसे मॉस्किटोज यानी मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है। ये पैरासाइट्स धागे की तरह कीड़े होते हैं जो कि बॉडी के अंदर डेवलप करते हैं और ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम को मैनेज कर देते हैं। इसके अलावा जो एसोसिएटेड टिश्यूज होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। मेनली बच्चों में ज़्यादा होता है ये लिम्फेटिक फिलियरिसिस डिजीज, वो बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम होती है तो उनमें ज़्यादा होता है ये डिजीज। ये देखो पिक्चर में आप देख सकते हो, स्वेलिंग होती है यहाँ पे देखो। अब बात करते हैं ग्लोबल अलायंस टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलियरिसिस की। ये एक प्रकार से अलायंस है विभिन्न पार्टनर्स का। कौन कौन पार्टनर है इस ग्लोबल अलायंस का? 72 कंट्रीज जो जहाँ पर लिम्फेटिक फिलियरिसिस होता है, एनजीओज, प्राइवेट सेक्टर्स, एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज। ये जो ग्लोबल अलायंस है वो WHO की हेल्प करता है और WHO का जो प्रोग्राम है ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलियरिसिस, इस प्रोग्राम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है ग्लोबल अलायंस टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलियरिसिस। और अभी कंटेक्स्ट मैंने आपको बताया कि 10वीं मीटिंग इस ग्लोबल अलायंस की ऑर्गेनाइज हो रही है इंडिया में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे के बारे में है, यानी एल्मा। ये एक प्रकार का टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप की सहायता से वैज्ञानिकों को काफ़ी पुख्ता सबूत मिले हैं, यानी कॉन्क्रीट एविडेंस मिले हैं 3 यंग प्लैनेट्स के बारे में जो कि अभी फिलहाल चक्कर काट रहे हैं एक स्टार के चारों ओर। स्टार का नाम है HD163296। और देखो ये 3 यंग प्लैनेट्स जो कि जिनके बारे में वैज्ञानिकों को पता लगा है, ये पूरी तरह से अभी प्लैनेट नहीं बने हैं, ये प्रोटो प्लैनेट्स हैं। मतलब प्लैनेट्स बनने की ओर अग्रसर हैं, अभी पूरी तरह से प्लैनेट नहीं बने हैं। अर्थ से इनका जो डिस्टेंस है वो है 330 लाइट ईयर्स। 1 लाइट ईयर कितना होता है? लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो होता है 1 लाइट ईयर। आप एक बार स्क्रीन पे पिक्चर देख लीजिए एल्मा टेलीस्कोप की। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इस टेलीस्कोप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फुल फॉर्म हमने जाना एटाकामा लार्ज मिलीमीटर या फिर सब मिलीमीटर एरे। ये एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप है कई सारी स्पेस एजेंसीज की, जैसे कि यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी, US नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल साइंस, इसके बाद NRC कनाडा, NSC और ASIAA ताइवान। यहाँ पर देखिए कासी KASI रिपब्लिक ऑफ कोरिया और सबसे लास्ट में कॉपरेशन है रिपब्लिक ऑफ चिली। तो इन सब देशों की स्पेस एजेंसीज की पार्टनरशिप है ये एल्मा टेलीस्कोप। और कहाँ पे है ये जरूर याद रखिएगा, चिली में है, नॉर्दर्न चिली में है,
5000 मीटर की ऊंचाई पर वहां पर एक प्लेट्यू है, पठार है, जिसका नाम है छजंतर प्लेट्यू। यहां पर देखिए और टेलीस्कोप जो हमने पहले देखा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल पिनाका मिसाइल के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? डीआरडीओ ने पिनाका के अपग्रेडेड गाइडेड वर्जन का सफल एक्सपेरिमेंट किया। कहां पर? चांदीपुर उड़ीसा प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिशमेंट में, पीएक्सई में। हम बात करें अपग्रेडेड पिनाका मिसाइल वर्जन के बारे में। देखो, पहले जो पिनाका मिसाइल का वर्जन था उसमें अब मेनली तीन चीजें ऐड की गई हैं। पहले जो पिनाका मिसाइल का वर्जन था वो अनगाइडेड था, लेकिन अब ये गाइडेड वर्जन आया है। कंट्रोल किट भी ऐड कर दी गई है। इसके अलावा जो रेंज है वो भी इंक्रीज हो गई है। यहां पर देखिए, पहले जो रेंज थी पिनाका मिसाइल की वो थी 40 किलोमीटर, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन में रेंज है 70 किलोमीटर और एक्यूरेसी भी बढ़ गई है। पहले एक्यूरेसी आती थी 500 मीटर की और अब एक्यूरेसी आती है 50 मीटर की। अगला आर्टिकल पिनाका मिसाइल के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? डीआरडीओ ने पिनाका मिसाइल के अपग्रेडेड गाइडेड वर्जन का सफल एक्सपेरिमेंट किया। कहां पर? उड़ीसा के चांदीपुर में प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिशमेंट में, यानी पीएक्सई में। देखो, पहले जो पिनाका मिसाइल का वर्जन था उसे जाना जाता था पिनाका मार्क वन के नाम से, अनगाइडेड पिनाका मार्क वन। लेकिन जो नया अपग्रेडेड वर्जन है इसे जाना जाता है पिनाका मार्क सेकेंड के नाम से। तीन चीज़ें मेनली नई ऐड हुई हैं। सबसे पहले नेविगेशन सिस्टम नया ऐड हुआ है, गाइडेंस सिस्टम नया ऐड हुआ है। पहले जो पिनाका मार्क वन वर्जन था वो अनगाइडेड था, लेकिन जो पिनाका मार्क सेकेंड जो वर्जन है वो गाइडेड है। कंट्रोल किट भी ऐड की गई है, जिसे डेवलप किया गया था रिसर्च सेंटर इमरेट में, यानी आरसीआई में। और देखो, इससे क्या हुआ है, एक तो जो रेंज है पिनाका मिसाइल की वो इंक्रीज हो गई है। पहले पिनाका मार्क वन की रेंज थी 40 किलोमीटर और अब रेंज है 70 किलोमीटर। एक्यूरेसी पहले थी 500 मीटर और अब एक्यूरेसी है सिर्फ 50 मीटर। तो काफ़ी अच्छा है ये पिनाका मार्क सेकेंड जो कि अपग्रेडेड वर्जन है पिनाका मिसाइल का। स्क्रीन पे पिक्चर देखिए, ये है पिनाका मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL। इसे जॉइंटली डेवलप किया गया था स्टार्टिंग में पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद में है जो कि, और सबसे लास्ट में RCI। 12 एक्सप्लोसिव वाले रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं पिनाका मिसाइल के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 44 सेकंड्स में, जो कि टारगेट का 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया नष्ट कर सकते हैं एक समय में। और इसके अलावा देखो, पिनाका जो मिसाइल है वो कई तरह के वार हेड्स को इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं, यानी कई तरह के जो एक्सप्लोसिव हैं वो लॉन्च किए जा सकते हैं पिनाका मिसाइल के द्वारा। तो इससे दुश्मन के सोलिड स्ट्रक्चर्स और बंकर्स को नष्ट किया जा सकता है। चूंकि क्विक रिएक्शन टाइम काफ़ी कम है तो लो अमाउंट कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में यूज किया जा सकता है पिनाका मिसाइल को। और ऑलरेडी आर्मी के द्वारा इंडक्ट कर लिया गया है इस मिसाइल को, और अब DRDO ने पिनाका मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन यानी पिनाका मार्क सेकंड का भी सफल एक्सपेरिमेंट किया। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? यूएसए सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। अब यूएसए सरकार 6 और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स इंडिया को बेचेगा। हम बात करें अपाचे हेलीकॉप्टर्स के बारे में, मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है यूएस आर्मी के द्वारा और कई और बहुत सारे देशों के डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। फीचर्स कौन कौन से हैं, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल वेदर नाइट फाइटिंग, यानी सभी तरह के वेदर्स में इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। नाइट में भी एडवांस वेपन सिस्टम है इन हेलीकॉप्टर्स में, एडवांस लेजर, इंफ्रारेड, ये सब चीज़ें हैं। कमी चांसेस हैं UPSC पूछेगी फीचर्स के बारे में, लेकिन ये जरूर पूछ सकती है कि अपाचे जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं कौन से देश से इंडिया ने खरीदे हैं, तो आंसर होगा USA। ऐसे कई बार पूछा जा सकता है, जैसे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन से देश से इंडिया परचेज कर रहा है, रशिया। चलते हैं आगे। ये स्क्रीन पे आप वैसे पिक्चर भी देख सकते हो अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स की। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल आर्टिफिशियल लीफ यानी आर्टिफिशियल पत्ते के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? IISc सेकुलर्स ने एक ऐसे आर्टिफिशियल लीफ को डेवलप किया है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है एयर से, एटमॉस्फेयर से, और बायोफ्यूल को क्रिएट कर सकता है। कैसे ये आर्टिफिशियल लीफ डेवलप किया गया है? रिसर्चर्स ने देखो कॉपर, एल्यूमिनियम सल्फेट और जिंक सल्फाइड का इस्तेमाल किया इस आर्टिफिशियल लीफ को डेवलप करने में। वैसे तो ये दोनों मटेरियल्स वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जितना ज़्यादा
बैंड गैप होगा सेमीकंडक्टर्स में उतनी ही कम कंडक्टिविटी होगी, और जितना कम बैंड गैप होगा सेमीकंडक्टर्स में उतनी ही ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। कैसे ये लीफ यानी आर्टिफिशियल लीफ काम करेंगे? बेसिकली देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? हाई एनर्जी फोटोन, इलेक्ट्रॉन और सनलाइट, और इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। और बेसिकली ये सेमीकंडक्टर्स कॉपर एल्यूमिनियम सल्फेट और जिंक सल्फाइड, ये दोनों सेमीकंडक्टर्स इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देते हैं, और सनलाइट को आसानी से एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है इन सेमीकंडक्टर्स की सहायता से। इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस को रेप्लिकेट किया जा सकता है। और देखो, एक बात ये भी पता लगी है कि इस प्रकार से जो सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 20% के आसपास, और जो नेचुरल फोटोसिंथेसिस होता है उसमें एनर्जी एफिशिएंसी होती है सिर्फ 0.4 to 0.5%। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है आर्टिफिशियल लीफ की सहायता से, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम किया जा सकता है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल धनुष तोप के बारे में है। स्क्रीन पे पहले आप पिक्चर देख लीजिए धनुष तोप की। देखो, 1980s में इंडिया ने स्वीडन की एक कंपनी से बोफोर्स तोप को इम्पोर्ट किया था, और उसी बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन है ये धनुष। रेंज जो है इस तोप की वो है 40 किलोमीटर के आसपास। अभी क्या कंटेस्ट है? अभी कंटेस्ट ये है कि 3 लेवल का सफल एक्सपेरिमेंट हो चुका है धनुष तोप का, और अब ये तोप तैयार है पूरी तरह से आर्मी के द्वारा इंडक्ट होने के लिए। अभी तीसरे लेवल के एक्सपेरिमेंट में 301 गोलों को दागा गया और पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट सफल रहा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा धनुष तोप का डेवलप किया गया है, तो याद रखिएगा धनुष तोप के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल ग्लोसनास के बारे में है। ग्लोसनास की फुल फॉर्म है ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। यह रशिया का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। जैसे देखो यूएसए का सैटेलाइट नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जीपीएस, उसी प्रकार से इंडिया का अब नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है नाविक, जिस पर यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा था प्रीलिम में। उसी प्रकार रशिया का नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है ग्लोसनास। ग्लोसनास को क्रिएट किया गया था 1976 में, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, तो यूएसएसआर के द्वारा 1976 में ग्लोसनास को इस्टैब्लिश किया गया था। तो ग्लोसनास नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम में 24 सैटेलाइट्स हैं, और यूएसए का जो जीपीएस नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है इस सैटेलाइट सिस्टम में 31 सैटेलाइट्स हैं, और इंडिया का जो नाविक है नाविक में 7 सैटेलाइट्स हैं। अभी आर्टिकल का कंटेक्स्ट ये है कि रशिया अपने इस नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम में एक सैटेलाइट को पोजीशन करना चाहता है, तो ये तो हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है कि कौन सा सैटेलाइट है जो रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है अपने नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के लिए। लेकिन यूपीएससी ये जरूर पूछ सकती है कि ग्लोसनास कौन से देश का सैटेलाइट सिस्टम है, जीपीएस कौन से देश का सैटेलाइट सिस्टम है, और नाविक कौन से देश का सैटेलाइट सिस्टम है। यहाँ पर आप एक बार लिस्ट भी देख लीजिए, जीपीएस यूएसए का, ग्लैलियो यूरोपियन यूनियन का, हमारा नाविक, और उसके बाद यहाँ पर जापान का भी दिया हुआ है क्वेसी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, और चाइना का भी याद रखिएगा, चाइना का नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम का नाम है बेइदोउ, ऊपर देखिए यहाँ पर बेइदोउ। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल फ्लड फोरकास्टिंग से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? सेंट्रल वाटर कमीशन, जो कि एक एपेक्स टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने बेटर फ्लड फोरकास्टिंग के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है गूगल के साथ है। तो दोनों बॉडीज, एक तरफ गूगल और दूसरी तरफ सेंट्रल वाटर कमीशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंदर आता है, आपस में अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करेंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मशीन लर्निंग, जियोस्पेशियल मैपिंग और एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन डेटा। तो ये सब चीज़ें आपस में शेयर की जाएंगी ताकि पहले से पता लग सके कि कौन सी नदी में बाढ़ आ सकती है, तो जो लोकल प्रशासन है लोकल प्रशासन को सूचित किया जा सके, इन्फॉर्म किया जा सके, और लोकल प्रशासन समय पर स्टेप्स उठा सके ताकि कम से कम जान माल की नुकसान हो फ्लड की वजह से। तो ये पूरा आर्टिकल था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल रानी रासमणि के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड का एक प्रोजेक्ट है, फास्ट पेट्रोल वेसल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 5 फास्ट पेट्रोल वेसल्स को इंडक्ट किया जाना है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। अभी तक पहले फेज में 4 जो पेट्रोल वेसल्स हैं उनको इंडक्ट कर लिया गया है, जैसे ICGS यानी
इंडियन कोस्ट गार्ड शिप रानी अबाका, ICGS रानी अवंती, ICGS रानी दुर्गावती और सबसे लास्ट में ICGS रानी गुडिल्न्यू। तो अब पांचवा जो फास्ट पेट्रोल वेसल है रानी रासमणि, इसको भी कमीशन कर लिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। और रानी रासमणि जो ये फास्ट पेट्रोल वेसल है वो स्वदेशी है, यानी हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। आप स्क्रीन पे फोटो भी देख सकते हो रानी रासमणि यानी फास्ट पेट्रोल वेसल का। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल रिमूव डेवरीज प्रोजेक्ट के बारे में है। देखो, बहुत से सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं विभिन्न कंट्रीज के द्वारा जो कि अर्थ के चारों ओर चक्कर काटते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन पर्पजेज के लिए, और एक निश्चित टाइम तक काम करने के बाद वो सैटेलाइट, उन सैटेलाइट्स का जो संपर्क है वो विभिन्न देशों की स्पेस एजेंसीज के साथ टूट जाता है। लेकिन फिर भी चूंकि वो सैटेलाइट्स नीचे नहीं गिर सकते, वो अर्थ के चारों ओर घूमते रहते हैं, तो इस वजह से बहुत सारा कचरा जमा हो गया है जो अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहा है, जिससे जो लेटेस्ट सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं विभिन्न देशों की एजेंसीज के द्वारा, उन सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंच सकता है। इवन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी नुकसान पहुंच सकता है इन डेब्रिज से, सैटेलाइट्स के इन कचरे से। तो इस वजह से अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के द्वारा एक सैटेलाइट छोड़ा जाएगा। यह सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज को दिखाएगा, डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि किस प्रकार से विभिन्न टेक्नोलॉजीज को यूज में लाया जा सकता है स्पेस में कचरे को हटाने के लिए, जैसे कि हार्पून एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है समुद्र में व्हेल मछली को या फिर दूसरी बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए, या फिर नेट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है स्पेस से कचरे को हटाने के लिए। तो यही आर्टिकल है, बताया गया है आर्टिकल में कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के द्वारा 100 किलोग्राम का एक स्पेस क्राफ्ट डिप्लॉय किया गया है ताकि टेक्नोलॉजीज को परफॉर्म किया जा सके जिनकी सहायता से स्पेस से कचरे को हटाया जा सकता है। अगला आर्टिकल इंडिया की फर्स्ट रोबोटिक टेलीस्कोप के बारे में है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है अगर यूपीएससी पूछती है कि इंडिया की पहली रोबोटिक टेलीस्कोप कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है, तो जगह आप याद रखिएगा, पहली रोबोटिक टेलीस्कोप इंडिया की इस्टेब्लिश की गई है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, कहाँ पर? हनले लद्दाख, जगह याद रखिएगा। और देखो, ये पहली टेलीस्कोप है जिसे डिजाइन किया गया है मल्टी कंट्री कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव की सहायता से, जिसका नाम है ग्रोथ, यानी ग्लोबल रिले ऑफ ऑब्जर्वेटरीज वाचिंग ट्रांसजेंट्स हैपन, ये फुल फॉर्म है ग्रोथ की। तो ये टेलीस्कोप फुली रोबोटिक ऑप्टिकल रिसर्च टेलीस्कोप है जो कि कॉस्मिक इवेंट्स को, स्पेस में जो कॉस्मिक इवेंट्स होगी उनको कैप्चर करेगी ये टेलीस्कोप। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मैन्युफैक्चरिंग पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। 1 जुलाई 2018 से सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसका नाम है कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्माक्यूटिकल्स लिमिटेड, सिर्फ ये पब्लिक सेक्टर कंपनी ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकेगी। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी, और ना ही किसी के द्वारा हमारे देश में ऑक्सीटोसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के फॉर्मुलेशंस को इंपोर्ट किया जा सकेगा बाहर से। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को केमिस्ट के द्वारा, यानी मेडिकल वालों के द्वारा बेचा भी नहीं जा सकेगा। हम बात करें ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, ह्यूमन बींग्स में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सीक्रेट किया जाता है, यानी रिलीज किया जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिप्रोडक्शन में, बच्चे के जन्म के दौरान और लैक्टेशन, यानी मदर्स के द्वारा बच्चों को जो दूध पिलाने की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसमें भी रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ह्यूमन बींग्स में सोशल इंटरेक्शन जो होती है वहाँ पर भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रोल होता है। इसके अलावा इस हार्मोन के काफ़ी फिजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं, प्रभाव होते हैं सोशल बिहेवियर पर और इमोशंस पर भी। ह्यूमन बींग्स के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा भी यूज़ किया जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, ताकि जो नॉर्मल लेबर है, यानी प्रसव डिलीवरी को एक्सेलेट करने के लिए। मिसयूज़ किया जाता है लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में, पशुओं की मेमरी जो ग्लैंड होती है उसको स्टिमुलेट करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज़ किया जाता है, ताकि मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकले एनिमल से, ये इंश्योर करने के लिए। तो इस हार्मोन के अब्यूज़ के कारण, इस ऑक्सीटोसिन ड्रग्स के अब्यूज़ के कारण एनिमल्स की जो लाइफ है वो काफ़ी छोटी हो जाती है, और ज़्यादा यूज़ करने से जो एनिमल्स हैं वो इनफर्टाइल भी हो जाते हैं,
इसी वजह से सरकार ने रोक लगाई है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मैन्युफैक्चरिंग पर। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल चंद्रयान मिशन सेकंड के बारे में है। 2008 में इसरो के द्वारा चंद्रयान मिशन वन भेजा गया था और पहली बार चंद्रमा पर पानी के होने के संकेत मिले थे, यानी चंद्र वन यान जो मिशन था इसरो का वो सफल रहा था। और अब इसी साल अक्टूबर में चंद्रयान मिशन सेकंड भेजा जाएगा इसरो के द्वारा। तो दो चीजों पे फोकस होगा, एक हीलियम 3 और दूसरा वाटर। देखो पहले यूएसए समेत दूसरी स्पेस एजेंसीज के द्वारा मून पर यानी चंद्रमा पर जो मिशन भेजे गए हैं तो संकेत ये मिले हैं कि चंद्रमा की धरती पर हीलियम 3 जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। अनुमान ये है कि सूर्य से यानी सन से हीलियम 3 की बरसात हुई होगी चंद्रमा पर यानी मून पर। वैसे तो देखो हीलियम 3 ने आने की कोशिश अर्थ पर भी की होगी, लेकिन चूंकि अर्थ के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए हीलियम 3 धरती पर नहीं आ सकी होगी। इसी वजह से मून पर हीलियम 3 बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जमा हो गई है। और फायदा यह है हीलियम 3 का इस्तेमाल किया जा सकता है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। हीलियम 3 जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, इस वजह से हीलियम 3 का यूज करना परमाणु ऊर्जा प्रोड्यूस करने के लिए काफी ज्यादा सेफ है। और आपको पता है वैज्ञानिकों के द्वारा यह बोला गया है अगर मून पर हीलियम 3 के सोर्सेस को ठीक से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो पूरे वर्ल्ड की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सकता है आने वाले 3 से 5 सेंचुरीज तक के लिए, यानी 300 से 500 सालों तक के लिए पूरे वर्ल्ड की जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल किया जा सकता है चंद्रमा से मिले हीलियम 3 के सोर्सेज से। एक्सपर्ट्स का तो यह भी कहना है कि एक टन हीलियम 3 की जो कीमत है वो $5 बिलियन के आसपास है, और जबकि चंद्रमा पर ऑलमोस्ट 1 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास हीलियम 3 है। तो सोच के देखिए जो हीलियम 3 मौजूद है चंद्रमा पर उसकी कीमत कितनी ज्यादा है। हालांकि जो 1/4 हीलियम 3 है चंद्रमा से वही धरती पर ले जाई जा सकती है, और जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि रेडियो एक्टिव नहीं है हीलियम 3 का जो आइसोटोप है इसलिए आसानी से न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब हम बात करें चंद्रयान सेकंड मिशन के बारे में जिसे लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा अक्टूबर में। देखो चंद्रयान 2 मिशन की कॉन्फ़िगरेशन में रोवर भी होगा, ऑर्बिटर क्राफ्ट भी होगा और लैंडर क्राफ्ट भी होगा। ऑर्बिटर तो सिंपल है, ऑर्बिट करता है, इस कंटेक्स्ट में इस केस में चंद्रमा के चारों ओर ऑर्बिट करेगा ऑर्बिटर क्राफ्ट। लैंडर जो है वो चंद्रमा पर लैंड करेगा और लैंड करने के बाद एक चार पहियों की गाड़ी निकलेगी और ये चार पहियों की गाड़ी चंद्रमा पर जगह जगह घूमेगी जिसे कहा जाता है रोवर। और यही रोवर हीलियम 3 के सोर्सेस को और पानी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा चंद्रमा पर। तो ये चंद्रमा 2 के बारे में हमने डिस्कस किया, हीलियम 3 के बारे में हमने जान ही लिया। हीलियम 3 जो है वो आइडियल कैंडिडेट है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए। सन में फॉर्मेशन होती है हीलियम की और सोलर विंड्स की सहायता से हीलियम 3 जो है वो स्पेस में ट्रेवल करता है, चंद्रमा पर पहुंचता है। अर्थ पे इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि अर्थ के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस वजह से हीलियम 3 सूर्य से अर्थ पर नहीं पहुंच पाता। हीलियम 3 लाइट नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हीलियम का, और इस आइसोटोप में 2 प्रोटॉन्स और 1 न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट आर्टिकल रोब इंसेक्ट्स के बारे में है या फिर नोवा क्राफ्टर्स। नाम याद रखिएगा, रोब इंसेक्ट्स या फिर नोवा क्राफ्टर्स। देखो आपको पता है बर्ड्स इंसेक्ट्स ये जो स्पीसीज हैं पोलिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होती हैं, लेकिन आजकल इंसेक्ट्स बर्ड्स ये स्पीसीज धीरे धीरे कम हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इनकी संख्या कम हो रही है। तो इसका बायोडाइवर्सिटी पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि ये पोलिनेट करती थी, अब ये इनकी संख्या कम है तो पोलिनेशन कम हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो साइंटिस्ट ने इसका एक उपाय ढूंढा है, रोब इंसेक्ट्स यानी छोटे छोटे ये जो इंसेक्ट्स हैं ये कृत्रिम होंगे, रोबोट की तरह काम करेंगे, जीपीएस इनेबल्ड होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड होंगे। ये फूलों को ढूंढेंगे और आर्टिफिशियल रूप से उनकी पोलिनेशन करेंगे। तो पोलिनेशन इस प्रकार से होगी तो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी और हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उस पर भी कोई खतरा नहीं आएगा। तो याद रखिएगा रोब इंसेक्ट्स क्या है, अगर यूपीएससी पूछे नोवा क्राफ्टर्स रोब इंसेक्ट्स रिसेंट में सुर्खियों में था, किस पर्पज के लिए है, पोलिनेशन के लिए डेवलप किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। करंट अफेयर रिवीजन फॉर फिल्म 2019 में साइंस एंड टेक के रिवीजन का ये हमारा पहला लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।